मूवी है, मतलब शाहरुख खान की इतने दिन बाद कोई अच्छी मूवी देखने के लिए मिली है, बहुत जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक्शन के बीच में वो जो कॉमेडी आ रही थी ना बीच में सलमान खान की, वो प्लस गजब, बहुत ज्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग। जिस जो जो भी हमें सुन रहा है वो जरूर देखने आए। सलमान खान का कैमियो है, आप सोच नहीं सकते कि कितना मजा आया देख के, करण अर्जुन वाली फीलिंग आ गई। क्या बोलूँ, मिक्स था सारा का सारा, मतलब जैसे और जो मतलब पहले की भी जो मूवीज थी उनका मिक्सचर था, मतलब ठीक थी, थी मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छी लगी, लेकिन ठीक थी। अगर रेटिंग की बात करें तो आप कितना रेट करेंगे? मतलब 5 out of 4 या 3.5, मतलब इतना ज़्यादा कुछ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा सही नहीं लगा क्योंकि वो ऑलरेडी मूवीज़ में देख चुकी हूँ, तो वो थोड़ा मतलब वैसा लग रहा था कि मतलब जैसे मतलब हमने देखी भी है तो अब हमें मतलब पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। एक्शन जैसे कि ट्रेलर में काफ़ी एक्शन देखने को मिला, तो मूवीज़ में एक्शन आपको कैसा लगा? हाँ मतलब एक्शन ठीक था, मतलब हाँ लगा कि थोड़ा मतलब उन्हें हॉलीवुड वालों को थोड़ा टक्कर दिया है बस। तो ओवरऑल आपको मूवी अच्छी लगी? हाँ बढ़िया थी मूवी, आग लगा दी मूवी ने। अगर हम एक्शन की बात करें तो आपको एक्शन कैसा लगा मूवी में? एक्शन बढ़िया था मैम, जो एक्सेप्शन थी लोगों को बिल्कुल उस पर खड़े उतरे। बॉलीवुड कितना स्टार देंगे? स्टार तो 5 देना पड़ेगा। ओके 5 देंगे आप टोटल। आपको क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में तो एक्शन भी बहुत अच्छा था और वैसे भी बहुत बढ़िया मूवी। सबसे बढ़िया बात तो मैम सलमान खान की एंट्री, जो सरप्राइज मिला फैंस को एकदम, ना मजा आ गया देख के। मजा आ गया। आपने देखा होगा कि ये मूवी काफ़ी विवादों में रहा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैम इसमें, और सॉन्ग है उसका एंजॉय किया, उसमें बायकॉट का कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। तो बायकॉट नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था जी। थैंक यू। आपको मूवी कैसी लगी? हाँ सही है, फिल्म बहुत बढ़िया है, मज़ा आया देख के। अगर रेटिंग की बात करें तो कितना रेट करेंगे 5 out of? वेल पहला मैं लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी बाय द वे, एंड इट्स अ ग्रेट अप्लॉज टू लुक शाहरुख इन सोल्जर, एंड या इट्स अ ग्रेट मूवी। अगर हम एक्शन की बात करें, ट्रेलर में हमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला, तो आपको मूवीज़ में एक्शन कैसा लगा? इट्स क्वाइट फन, द डायरेक्टर इज गुड, ही वाज आल्सो अ पास्ट डायरेक्टर फ्रॉम वॉर मूवी, सो इट्स क्वाइट गुड मूवी। या इट वाज वेरी नाइस। ठीक है, अच्छे। रेट कितना देंगे आप मूवी को? 8 out of 10। ऑलराइट सर, ऑलराइट, अच्छी थी। कमेंट ही नहीं है, इतनी यूनिक, मतलब हम चीख चीख के थक गए। मतलब गजब, बहुत ज्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग। जिस जो जो भी हमें सुन रहा है वो जरूर देखने आए। बहुत सलमान खान का कैमियो है, आप सोच नहीं सकते कि कितना मजा आया देख के, करण अर्जुन वाली फीलिंग आ गई। राइट। जैसे लोग बायकॉट कर रहे हैं इस मूवी को, तो क्या लगता है आपको, इसे करना चाहिए था? वो बेले लोग हैं वो। राइट। उन दिन के बाद वैसे क्रेडिट उन्हीं को भी मिलता है क्योंकि उन्होंने जितना हाइप बढ़ा दिया ना इस मूवी का, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। कितना रेटिंग देंगे आप? और शाहरुख की एक्टिंग तो आई, और मेन ये था कि विलन जॉन ने पूरा माइंड ब्लोइंग, मतलब उस जैसा विलन देखा ही नहीं है। वो हैवी पड़ गया था बीच में शाहरुख खान पे, इतना मतलब वही वीकनेस हमें लग रहा था, वीकनेस हो सकती है वो जॉन की, क्योंकि उसकी बहुत फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो हमें लगा था कि यही डाउट था बस उस पर, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी भी मानना पड़ेगा। एक विलेन अगर मूवी का एक अच्छा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा चलेगी। फॉर एग्जाम्पल KGF देख लो आप, बाहुबली देख लो, तो ये भी विलेन चाहिए था हमें, मजबूत टक्कर का मिला है वो। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक्शन के बीच में वो जो कॉमेडी आ रही थी ना बीच में सलमान खान की, वो प्लस आपको मूवी कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। सही है, लोग मगर इसका बहुत बायकॉट कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ रीजन से होगा या फिर क्या? नहीं बस वो सॉन्ग की वजह से शायद कर रहे होंगे, बट अब मतलब अच्छा लगा, मतलब शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? 5 star। मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी है। अभी देख के आए? हाँ अभी देख के आए हैं। कैसा लगा? बहुत जबरदस्त मूवी है, मतलब शाहरुख खान की इतने दिन बाद कोई अच्छी मूवी देखने के लिए मिली है, बहुत जबरदस्त मूवी है। शाहरुख खान और जॉनी इब्राहिम दोनों है मूवी में ना? दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है? बेटर दोनों का, अब अपनी जगह अलग अलग रोल है, तो दोनों ही अब अपने कैरेक्टर में दोनों ही फिट है। और जबरदस्त में जो अभी मूवी देखा, दोनों में से ज्यादा बेहतर एक्टिंग किसने करी है? दोनों ज्यादा बेहतर तो शाहरुख खान की एक्टिंग है। ठीक है, दीपिका पादुकोण की बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। अच्छा, जो गाने वगैरह है वो भी मस्त है। बहुत मस्त गाने हैं। ठीक है,
अच्छा तो अभी आपने सुबह भी देख ली, अब दोबारा शाम को भी आएंगे आप? दोबारा शाम को भी आएंगे, और फैमिली के साथ भी टिकट किए हुए हैं, अभी फ्रेंड्स के साथ देखी है अभी। मैं हर हफ्ते भी देखूंगा इसको, अभी दो तीन हफ्ते तक लगातार देखूंगा, बहुत जबरदस्त शाहरुख खान की मूवी का। आपने कब देखी, देख लिया, देखोगे अब? नहीं, मैं भी अब शाम में देखूंगा, साथ में देखेंगे। अच्छा, आपका भी प्लान है देखने का? हाँ, 3-4 साल से वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी मूवी आए शाहरुख खान की, अब वो वेट हमारा पूरा हुआ है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद 2-3 सीन शायद सलमान खान के भी हैं इसमें, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।